हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी रीड आवर फिफ्थ चैप्टर एनिमल लाइफ स्टूडेंट्स आज हम एनिमल लाइफ के बारे में जानेंगे जिस तरह से हमारी लाइफ है उसी तरह एनिमल्स की भी लाइफ है आज हम इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे ओके okay, एनिमल्स हमारे क्या काम आते हैं एनिमल्स का हमें क्या यूज़ है एवरीथिंग ओके लेट्स स्टार्ट ब्रीडिंग फीचर्स ऑफ एनिमल्स

एंड साइजेज स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जिराफ एलिफेंट एंड स्केरल हम इनको ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बट द बॉडीज ऑफ सम एनिमल्स अपीयर सिमिलर बट कई बार क्या होता है कि कुछ एनिमल्स की जो बॉडी शेप्स होती है वो बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैम हम उनको कैसे पहचान सकते हैं इन दिस पिक्चर लेपर्स एंड टाइगर्स हैव द सेम शेप्स एंड साइज ऑफ बॉडी ये जो पिक्चर है इसमें हम देख पा रहे हैं कि लेपर एंड टाइगर्स इनकी जो बॉडी शेप्स है और साइज है वो क्या है बिल्कुल एक जैसा है बट सींग देयर बॉडी कॉट्स एंड देयर मूवमेंट्स वी कैन ईजली टेल द डिफरेंस बट हम उनकी जो बॉडी कोड्स है मतलब जो हम उनकी बॉडी है उसकी मूवमेंट से जो उनकी बॉडी है और उनके मूवमेंट से उनके चलने का तरीका बैठने का तरीका वी कैन ईजली टेल द डिफरेंस तो हम दोनों में अंतर बता सकते हैं सो लेटस लर्न द फीचर्स लाइक मूवमेंट्स बॉडी कोड्स एंड साउंड ऑफ एनिमल्स तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं एनिमल्स की मूवमेंट्स एनिमल्स की बॉडी एनिमल्स की साउंड एवरीथिंग एवरीथिंग हम इस चैप्टर में जानेंगे मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स वंस अ चीता अ लायन अ टाइगर एन एलिफेंट एंड जिराफ रन अ रेस एक बार एक चीता एक टाइगर अ एन एलिफेंट और जिराफ ये क्या करते हैं एक रेस करते हैं एवरी एनिमल वॉज एंकेज द प्राइज और सभी एनिमल्स क्या थे प्राइज जीतने के लिए बहुत व्याकुल थे बेचैन थे जैसे हमें कई बार टेंशन हो जाती है ना कि हम लोगों ने परफॉर्म तो अच्छा किया था या हम लोग अब कंपटीशन करने वाले तो कौन जीतेगा हम जीतेंगे है ना कैन यू गैस हु ऑन द रेस क्या आप बता सकते रेस किसने वॉन की इट वॉज द चीता हु वॉन द रेस बिकॉज द चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल अफकोर्स चीता ने ही रेस वॉन की क्योंकि चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल क्योंकि चीता इस धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है लैंड एनिमल ओके डू यू नो सेल्फिश इज द फास्टेस्ट वाटर एनिमल एंड द फैलकॉन इज द फास्टेस्ट बर्ड जो सेल्फिश है वो पानी में सबसे तेज दौड़ने वाली एनिमल है और जो फैल्कन है वो सबसे तेज हवा में उड़ने वाला बर्ड है हेयर इज द पिक्चर ऑफ चीता चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल दिस इज द फैलकन इज द फास्टेस्ट बर्ड ये हवा में सबसे तेज दौड़ने वाला बर्ड है सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड सेल्फिश दिस इज सेलफिश इज द फास्टेस्ट वाटर एनिमल ये सबसे तेज पानी में दौड़ने वाला वाटर एनिमल है तो हमने लैंड वाटर और एयर तीनों के बारे में पता कर लिया है डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज जो सभी एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह से मूव करते हैं हर किसी का चलने का तरीका बैठने का तरीका अलग होता है सम एनीमल यूज देअर लेग्स वाई सम एनिमल यूज देअर बॉडीज टू मूव कुछ एनिमल्स अपने लेग्स की हेल्प लेते हैं और कुछ एनिमल्स हिलने के लिए अपनी बॉडीज का यूज करते हैं सम एनिमल्स फ्लाई विथ देयर विंग्स कुछ एनिमल्स अपने विंग्स अपने पंख की हेल्प से फ्लाई करते हैं वाइल सम एनिमल्स स्विम विद देयर फिंस एंड टेल और कुछ एनिमल्स अपने पंख और पूंज के साथ तैरते हैं तो अब हम जानेंगे कि कौन से एनिमल्स कैसे करते हैं यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे एनिमल्स की पिक्स हैं जिसमें उन बताया गया है कि वो कैसे चलते हैं कैसे दौड़ते हैं फर्स्ट अ डॉग वॉक जो डॉग है वो वॉक करता है चलता है अ कैट लीप्स जो कैट है वो क्या करती है लीप करती है मतलब ऊंची ऊंची छलांगे लगाती है हॉर्स गैलॉप जो हॉर्स है वो क्या करते चौकड़ी लगा लगा कर चलता है जिसे चौकड़ी लगाना बोलते हैं अ करता है चीता रन अ जंप अ अट क्रॉस क्रॉस क्या होता है धीरे 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 रेंगना ओके मिलीपेट क्या होता है एक तरह का कीड़ा होता है और डक वाडल्स डक बतख की तरह चलना दाएं बाएं घूम घूम कर हिल हिल कर चलना स्नैक स्लीदर स्नैक दाएं बाएं रेंगते हुए चलना अ सेल्फी सेल्फिशिंग्स तैरना अ फैलको फ्लाइस फ्लाई करना एंड इगल सॉर्स मतलब बहुत तेज गति से बहुत ऊंचा उड़ना वी रीड अबाउट द बॉडी कॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल एनिमल्स ब्यूटिफुल स्टोरी हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी कॉर्ड्स के बारे में जानेंगे बॉडी कॉर्ड्स ऑफ एनिमल्स बनी रैबी रिसीव्स एन इन्विटेशन फ्रॉम पुसी बनी कैट को पुसी की तरफ से एक इन्विटेशन मिला पुसी द कैट इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे जो पुसी कैट है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है आई शैल मीट मैनी फ्रेंड्स एट द पार्टी आई डोंट हैव एनी न्यू क्लॉथ टू वीयर बेटर आई बोरो अकॉर्स फ्रॉम आ फ्रेंड बनी रेपिड ने क्या सोचा कि मैं वहाँ पर बहुत सारे नए दोस्तों से मिलूँगा या मैं अपने दोस्तों से मिलूँगा आई डोंट हैव एनी न्यू क्लॉथ पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नए कपड़े नहीं हैं अच्छा होगा कि अगर मैं अपने किसी फ्रेंड से उधार ले लूँ कई बार हम लोग भी ऐसा करते हैं ना कि हम लोग के पास कोई हमें जाना होता है तो हम अपनी सिस्टर या ब्रदर या अपनी फ्रेंड्स की कोई ड्रेस कैरी कर लेते हैं तो उसी तरह बनी ने क्या सोचा कि मैं भी अपने किसी दोस्त से या मतलब अपने फ्रेंड से उधार ले लेता हूँ बनी रैबिट कम आउट एंड सा मिस्टर पिकॉक कमिंग टू हिम बनी रैबिट जब बाहर आया तो उसने देखा कि मिस्टर पिकॉक उसी की तरफ आ रहे हैं मिस्टर पिकॉक मे आई बोरो योर फेदरी कोट तो उसने क्या पूछा मिस्टर पिकॉक क्या मैं आपका पंखों वाला कोट उधार ले सकता हूँ आई एम सॉरी माई कलरफुल कोट ऑफ फैदर्स मेक मी लुक ब्यूटीफुल पिकॉक ने बोला कि मुझे माफ़ कर दो मेरे जो ये कलरफुल रंग बिरंगे पंख पंखों वाला कोट है ये मुझे बहुत सुंदर बनाता है वाइल वॉकिंग अबाउट बनी सा हैजॉक चलते चलते समय फिर बनी ने एक हेडजॉक देखा हैजोग क्या होता है बच्चा हैजोग होता है एक जानवर होता है जिसके पीठ पर कांटे लगे होते हैं ठीक है जिसे कांटा चूहा भी कहते हैं वट डिफरेंट लुक इट हैज क्या ये अलग रहेगा बनी ने सोचा मिस्टर हैजोग विल यू लैंड मी योर कॉट आई वुड लाइक टू वियर इट फॉर पोसिस बर्थडे पार्टी उसने कहा मिस्टर हैजोग क्या आप मुझे अपना कोट उधार दे सकते हैं आई वुड लाइक टू वियर इट फॉर पुसीज बर्थडे पार्टी मैं इसे पुसी की बर्थडे पार्टी पर वियर करना चाहता हूँ मुझे अच्छा लगेगा ये पहन के आई एम सॉरी मिस्टर आई एम सॉरी माई कोट ऑफ स्पिन्स प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इंजरीज एंड एनमीज तो उसने क्या कहा कि मुझे माफ़ कर दो मेरे ये जो कॉट है ये जो मेरे स्पिन्स हैं ये मुझे चोट लगने में और दुश्मनों से बचाते हैं ऑन द वे ही मैट मिस्टर टोटोइ उसी तरह वो टोटोइ से मिला बनी वॉट्स द मैटर टोटोइज ने पूछा कि क्या हुआ टमोरोज इज पुसीज बर्थडे नो बॉडी इज लैंडिंग मी अ कोट टू वीयर फॉर द पार्टी बनी ने कहा कि कल पुसी का बर्थडे है और कोई भी मुझे अपना कोट पहनने के लिए उधार नहीं दे रहा है पार्टी में जाने के लिए मुझे कोई भी अपना कोट उधार नहीं दे रहा ओ माई डियर फ्रेंड ओ मेरे प्यारे मित्र वी हैव डिफरेंट बॉडी कॉट्स हम सभी के पास एक अलग बॉडी कॉट है एवरी एनिमल हैज़ एन आउटर बॉडी कॉट्स सभी एनिमल्स के पास एक बाहरी बॉडी कॉट होता है बाहरी शरीर कोट होता है बाहरी मतलब बाहर उनके जो बॉडी होती है जिस तरह से बॉडी कोट दैट कीप इट वॉम जैसे हमारी बॉडी पे हम लोग कपड़े पहन लेते हैं तो वो हमारे बाहरी कपड़े हो गए तो उसी तरह एनिमल्स की जो बॉडी पे किसी के दाग स्पॉट्स कुछ भी होता है तो वो उसका क्या होगा बॉडी कोट हो गया तो वो क्या बोलता है कि सभी एनिमल्स के पास अलग अलग बॉडी कोट होता है जो उसे गर्म रखता है ठीक है इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इंजरीज एंड एनिमिल्स जो हमें चोटिल होने में जख्मी जक, होने में और हमारे एनिमल्स हमारे शत्रुओं से हमें बचाता है जैसे अ क्रैब हैज अ शेल एक क्रैब के पास शेल होता है अ अंगटून हैज हेयर ओंग ऑंगटून के पास हेयर होते हैं लंबे लंबे बाल होते हैं अ फिश है स्केल्स फिश के पास स्केल्स होता है कवच होता है अ स्नेक हैज स्केल्स और स्नेक के भी क्या होता है कवच होता है बॉडी पे नी ब्रश व एंड अटेंडेड पुसीज पार्टी फिर क्या किया रेबिड ने अपने वाइट जो फर थे वाइट जिसकी फर हेयर लगे होते हो, उसको ब्रश किया और पुसी की बर्थडे पार्टी अटेंड की वाओ बनी वॉट्स ब्यूटीफुल वाइट फॉर यू हैव तो सभी ने क्या बोला की वाओ बनी तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे वाइट फॉर है ऑल द एनिमल विस्ट पूसी कैट और सभी एनिमल ने पुसी को विश किया डू यू वॉन्ट टू नो हाउ एनिमल्स कन्वे देयर बर्थडे विशेष आप जानते हैं कि एनिमल्स इन्होंने बर्थडे क्या कैसे किया सबकी बोली अलग अलग है सब एनिमल्स अलग अलग साउंड बोलते हैं तो अब हम जानेंगे साउंड ऑफ एनिमल्स साउंड ऑफ एनिमल्स अ लायन रॉर्स लाइन क्या करता है दोहाड़ता है अ कैट पर्स कैट क्या करती है गुरगुराना करती है गुरगुराती है आ, मंकी चटर मंकी क्या करता है बकबक बक करता है दांतों की आवाज से किट 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 करता है अ डक क्वैक। एक बतक क्या करती है? कां का बत की तरह कां अ -कां। अशीप ब्लीड्स शीप क्या करती है मे अ काओ मूस। रंभाना काओ क्या करती है रंभाना अ डॉग बाक्स डॉग भोगता है फ्रॉक क्रॉक ट की आवाज हेल्पफुल एनिमल्स बबलू वेंट टू हिज अंकल्स हाउस ही सार मैनी एनिमल्स लाइक अ डॉग अ हॉर्स अ रैबिट एंड ऑल्सो सम प्रिटी फिश इन एन एक्वेरियम जो बबलू था वो अपने अंकल के घर गया तो उसने वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स देखे जैसे डॉग, हॉर्स रैबिट और सम प्रिटी फिशेस, फिशेस इन एन एक्वेरियम तो उसने एक्वेरियम में फिशेस देखी बच्चे एक्वेरियम क्या होता है जिसमें लोग फिशेस को अपने घर में रख सकते हैं जैसे वैसे तो फिश पानी में बाहर रहती है बट क्या होता है कि लोग उन्हें अपने घर में पेट की तरह रखते हैं तो वो एक मछली घर लाते हैं जिसे एक्वेरियम कहा जाता है अंकल आई एम वेरी मच थेल टू सी दिस एनिमल्स बट वाई डू यू हैव सो मैनी एनिमल्स एट होम तो बबलू ने कहा कि अंकल मैं ये जानकर बहुत रोमांचित हूँ कि आप कि आपके पास इतने सारे एनिमल्स को देखकर मैं बहुत रोमांचित हूँ बट वाई डू यू हैव सो मैनी एनिमल्स एट होम आपने ये इतने सारे एनिमल्स अपने घर में क्यों रखे हुए हैं बबलू द एनिमल गिव सो मच लव इन रिटर्न इफ यू टेक केयर ऑफ दैन एंड दे ऑल्सो हेल्पस इन मैनी वेज अंकल ने कहा कि बबलू एनिमल्स हमें बहुत सारा प्यार देते हैं अगर हम उनकी देखभाल करते हैं अगर हम एनिमल्स की देखभाल करते हैं तो बदले में वो हमें बहुत सारा प्यार देते हैं एंड दे हेल्प ऑल्सो हेल्पस इन मैनी वेज और वो बहुत तरीके से हमारी हेल्प भी करते हैं लाइक एनीमल्स लाइक ब फेलोज काउज एंड गॉड्स गिवर्स मिल्क जैसे कि गोट बफेलो और काओ ये हमें क्या देते हैं मिल्क देते हैं पेट एनिमल्स लाइक अ डॉग गार्ड्स अवर हाउस और कई लोग पेट रखते हैं डॉग तो वो क्या करता है हमारे हाउस को गार्ड करता है हमारे घर की देखभाल करता है एनिमल्स लाइक हैंस एंड डक्स गिव अस एग और एनिमल्स जैसे हैन और डक है वो हमें क्या देती हैं एग देती हैं कैट किस द माइज अवे और जो कैट है वो क्या करती है हमारे घर में चूहों को हमारे घर से दूर रखती है बब्लू ये आई टेक मिल्क एंड एग्स एवरी डे माई मोम सेज दैट दे हेल्प मी ग्रो हाँ मैं भी एग्स और मिल्क डेली लेता हूँ मेरी मम्मा कहती हैं कि इससे मैं ग्रो कर रहा हूँ आप लोग की मम्मा भी कहती है ना अरे मिल्क पियो मिल्क पियोगे तभी आप बड़े हो गए तो मिल्क पीने से हम लोग ग्रो करते हैं और वो मिल्क हमें किससे मिलता है गोट बफेलो और काओ से Do you know from where we get this silk and woolen क्लॉथ क्या तुम जानते हो कि हमें सिल्क और वुलन क्लॉथ कहाँ से मिलते हैं I know, uncle. We get silk from silk worms and wool from sheep. हाँ मैं जानता हूँ हमें जो सिल्क है वो सिल्क वॉम्स से मिलता है और जो वूल है वो शीप से मिलता है सिल्क जिसे रेशम के कीड़े भी कहा जाता है आ यू आर क्लेवर तुम बुद्धिमान हो कैन यू टेल वट योर शूज बेल्ट एंड सूट केस आर मेड ऑफ क्या तुम बता सकते हो कि ये तुम्हारे जो शूज है बेल्ट है सूट केस है ये किससे बना है ओ नो वट आर दे मेड ऑफ ये किससे बने हैं द स्किन ऑफ सम एनिमल्स लाइक शीप क्रोकोडाइल्स स्नैक्स एंड कैम्स आर यूज एज लैदर टू मेक बेल्ट शूज जैकेट्स वॉलेट्स सूट केसेस बैग्स एंड परसेस की कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे शीप क्रोकोडाइल स्नैक्स कैमस है ना जिनसे जिनकी जो स्किन होती है ना उनसे क्या बनता है लेदर कौन कौन से एनिमल्स की स्किन से बनता है लेदर शीप क्रोकोडाइल्स स्नैक एंड कैमस इनकी जो स्किन है उससे लेदर बनता है और लेदर से क्या बनता है बेल्ट शूज जैकेट वॉलेट्स सूटकेस और बैग आपके घर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो लेदर से बनती है है ना तो आप लोग भी अपनी मम्मा को बताओ कि ये कौन कौन से एनिमल्स की स्किन से बनती है अंकल हाउ डू दिस ऑक्सन एंड बफेलोस हेल्प द फार्म अब बबलू ने पूछा कि ऑक्सन और बफेलोस का फार्म में क्या हेल्प मिलती है कई लोग बैल लेके जाते हैं ना फार्म में खेतों में दे हेल्प द फार्मर्स इन प्लफिंग फील्ड्स सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स हॉर्सेस एंड डंकीज हेल्प अस बाय कैरिंग अवर लॉड्स ऑफ गुड्स एंड लगेज जो ऑक्शंस हैं वो क्या करते हैं खेतों को जोतते हैं आजकल तो ट्रैक्टर्स वगैरह चलते हैं बट कई खेतों में या पहले क्या होता था कि जो ऑक्शंस होते थे उनके पीछे वो लगाकर खेतों वाला और उनसे खेत खेत जोते जाते थे फिर उसमें बीज डाले जाते थे और कुछ एनिमल्स जैसे एलिफेंट हॉर्सेस, डोंकी है ना ये क्या करते हैं हमारा बाहर सैन करते हैं और हमारा जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं अब तो बहुत सारे व्हीकल्स हो गए लाइक ट्रेन बाइक अटेक्स्ट्रा बट पहले क्या थे जो एनिमल्स है वही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते थे ओ एनिमल्स आर हेल्पफुल इन सो मैनी वेज डू दे ऑल्सो पेन तो बबलू ने बोला कि अच्छा एनिमल्स तो हमारी बहुत हेल्प करते हैं ये हमारे बहुत काम आते हैं क्या इनको भी पेन होता है दर्द होता है एनिमल्स कैन नॉट टॉक एनिमल्स बोल नहीं सकते दे टू तो हैव फीलिंग्स एंड दे सफर जस्ट एज वी डू बट उनके पास जो भावनाएं हैं उनसे वो हमें जता सकते हैं वी शो वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ दम इसलिए हमें उनके बहुत देखभाल करनी चाहिए कि उनके पास देखो बोलने के लिए तो नहीं वो बोल नहीं सकते बट वो अपना जो उनकी भावनाएं होती हैं वो हमें शो कर सकते हैं इसलिए हमें एनिमल्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए तो स्टूडेंट आज हमने इस चैप्टर में रीड किया कि एनिमल्स की मोमेंट क्या होती है एनिमल्स की साउंड एनिमल्स के बॉडी कॉड्स और एनिमल्स हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं ओके okay, स्टूडेंट तो अगर एनिमल्स हमारे इतने काम आते हैं तो हमें भी एनिमल्स की देखभाल करनी चाहिए ना तो आज से आपको भी एनिमल्स को परेशान नहीं करना है और उनकी अच्छे से देखभाल करनी है